नमस्कार साथी। चूहे से आजकल हर घर के लोग परेशान हैं। चूहा कभी आपके महंगे कपड़े, कभी आपकी कुछ डॉक्यूमेंट, और कभी कभी तो वो बिजली के वायर को भी काट देता है, जिससे पूरे घर की बिजली गुल हो जाती है। चूहे के से परेशान होने के बाद बहुत सारे लोग नाना प्रकार के उपाय करते हैं चूहों को अपने घर से भगाने के लिए। लेकिन क्या हो जब आपको एक चूहे को पकड़ने के लिए 41,000 रुपए खर्च किए करने पड़े? क्या हो जब एक चूहे को पकड़ने के लिए आपको 57,000 रुपए 58,000 रुपए खर्च करने पड़े? इसलिए हमने थंबनेल में कहा कि एक चूहे को पकड़ने की सुपारी 41,000 रुपए दी गई। जी हाँ, आप हैरान होंगे कि 41,000 रुपए 58,000 रुपए एक चूहे को पकड़ने के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। घोटाले आप बहुत तरह के सुनते होंगे, भ्रष्टाचार आपने बहुत तरह का देखा होगा, बहुत तरह का सुना होगा, लेकिन उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने एक ऐसा काम किया है जिसे सुनने के बाद हंसी भी आ रही है और माथा पीट भी रहे हैं लोग। घोटाले करने के तरह के अलग अलग तरीके के अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इनके अधिकारियों ने जो तरीका अपनाया है, एक आरटीआई पूछी गई थी, एक आरटीआई से जवाब मांगा गया था उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल से कि आपने चूहों को पकड़ने में कितने पैसे खर्च किए और कब कब खर्च किए। तो उत्तर रेलवे का आरटीआई जो दायर किए थे उनको एक जवाब आया है। उन्होंने जवाब दिया है कि 2020 में उन्होंने एक अभियान शुरू किया, जिस अभियान के तहत उनको स्टेशन से, चूंकि स्टेशन में जो पार्सल आते हैं या और भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनके चूहे कतर देते हैं, जिससे नुकसान होता है रेलवे को, तो उन चूहों को पकड़ने के लिए उत्तर रेलवे ने एक अभियान चालू किया 2020 में। इस अभियान का ठेका सेंट्रल वेयर हाउसिंग कंपनी को दिया गया। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन नाम की एक कंपनी है, उसे यह ठेका दिया गया। 3 साल तक उसे स्टेशन से चूहे पकड़ने थे, उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल से उसे चूहे पकड़ने थे। 3 साल का जो ठेका था वो लगभग था 69 लाख रुपए का। 69 लाख रुपए का ठेका हुआ 3 साल का, और आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे 3 साल में 69 लाख रुपए जब रेलवे ने खर्च किया चूहा को पकड़ने के लिए, तो आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि पूरे 3 साल में मात्र सभी कर्मचारियों ने मिलकर के, जो ठेका कर्मचारी थी उसके ठेका जो एजेंसी थी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के ने जो ठेका लिया था, उसके पूरे कर्मचारियों ने मिलकर के 3 साल में मात्र 168 चूहे पकड़े। अब 3 सालों को कैलकुलेशन करिए तो 365 दिन का एक साल होता है, लगभग 1095 दिनों में, 1095 दिनों में इन्होंने 168 चूहे पकड़े। 2020 में जब जिस साल ये ठेका दिया गया उसके कर्मचारियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, और पूरे साल काम करने के बाद एक साल में उन्होंने मात्र 83 चूहे पकड़े। एक चूहे लगभग 4 दिन में एक चूहा पकड़ा गया, और एक चूहे को पकड़ने में 41,000 से ऊपर का खर्च आया, आप जोड़ के देख लीजिए। दूसरा साल 2021 जब चलता है, 2021 का साल इनके कर्मचारियों के लिए इतना कंफर्टेबल रहा, इतना आरामदायक रहा कि पूरे एक साल में इन्होंने इतनी जबरदस्त मेहनत की, दिन रात एक कर दिया और टोटल 45 चूहे पकड़े। फिर आता है 2022 में भी चूहे पकड़ने थे, 3 साल का करा था। 2022 में इन लोगों ने इतना काम किया कि 2022 में 40 चूहे, मात्र 40 चूहे पकड़े गए, यानी एक महीने में 30 दिनों में 4 चूहों का रेशियो भी नहीं आया। 12 में यदि 4 का गुणा करेंगे तो 12 × 48 होता है। इन्होंने टोटल 40 चूहे पकड़े। यदि 40 चूहों पे खर्च की बात की जाए
तो 2022 में 40 चूहों पे खर्च जो था, एक चूहा 57,900 रुपए का पड़ा रेलवे को। अब जब ये भ्रष्टाचार रेलवे का उजागर हुआ है तो लोग तो भ्रष्टाचार के तरीके को देख करके माथा पीट ही रहे हैं, इनके जो मेन अधिकारी हैं कुछ नहीं सुझ रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, चूहा पकड़ने का जो ठेका दिया गया था उसके साथ साथ कुछ अन्य एक्टिविटी भी थी। अब वो अन्य एक्टिविटी, वो कौन सी अन्य एक्टिविटी थी, इसका ज्ञान न तो हमें है न किसी पेपर पे लिख करके इन्होंने बताया है, और शायद उन अधिकारियों को भी न पता होगा कि वो चूहे पकड़ने के अलावा जो अन्य एक्टिविटी थी वो कौन थी। जब से ये खबर बाहर आई है आरटीआई के माध्यम से, जब इसे ये जानकारी लोगों के बीच पहुंची है, तब से कोहराम मचा हुआ है। मचा इसलिए है कि कुछ लोग इन अधिकारियों के, वो कहते हैं कि सरकारी काम सरकारी ढंग से होता है, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि थे कि एक झूठ होता है और एक सफेद झूठ होता है। तो ये जो झूठ है ये झूठ की श्रेणी में ना आकर के सफेद झूठ के श्रेणी में आ रहा है, और लोग हैरान हैं इन अधिकारियों के किए गए कारनामे से। आप सोच के देखिए कि यदि पूरे साल का मिलाएं, मैंने बताया कि 20 में 83 चूहे पकड़े गए, 21 में 45 चूहे पकड़े गए, 22 में 40 चूहे पकड़े गए, टोटल चूहों का संख्या यदि नोट करें तो टोटल चूहे होते हैं 168 चूहों पे जो टोटल खर्च आया वो तीन साल में, यह है 69,48,450 रुपए। यानी एक चूहे पे 41 से अधिक रुपए का खर्च हुआ। इतना ज्यादा खर्च किया गया, किस तरीके से खर्च किया गया, कौन कौन कर्मचारी काम किए, कितने घंटे तक उन कर्मचारियों ने काम किया, क्या सोने चूहों को पकड़ने के लिए सोने के बिस्किट लाए गए थे या सोने के पिंजरे में चूहों को कैद किया गया था, इतना खर्चा क्यों आया, कैसे आया, इसको बताने के लिए कोई भी कर्मचारी जो जिम्मेदार अधिकारी है वो तैयार नहीं। इसके जिम्मेदार अधिकारियों से जब मीडिया के लोगों ने बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तथ्य को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, एक चूहे को पकड़ने में नहीं आया है बल्कि अन्य गतिविधियां भी उसमें शामिल थी। वो अन्य गतिविधियों को जानने के लिए जब लोग अधिकारियों से संपर्क किए तो अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इन सब कुछ जानने के बाद लोग बस यही कह रहे हैं कि धन्य है सरकारी काम और धन्य है सरकारी काम करने का तरीका। इस घटनाक्रम पे आप क्या कहेंगे, अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।